राम राम दोस्तों, कोटकपूरा की गलियों में आपका फिर से स्वागत है। और हम देखो मार्केट से गुजर रहे थे तो एक भाई हमें मिले थे, हम शाम को भी इनसे मिले थे, तो जब इनसे बात की तो पता चला कि ये हरियाणा से और काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और देखिए उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो अभी अंदर चले गए, उनसे बातचीत करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो आपको सामान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हर प्रकार का सामान उन्होंने रखा हुआ है, तो एक बार अंदर चलते हैं, उनसे बात करते हैं, सारी बातें अंदर जाके करेंगे। तो देखिए कस्टमर भी यहाँ पर आए हुए हैं, और ये देखिए मतलब एक जो सेल होती है इस प्रकार से, मतलब हर प्रकार का सामान आपको, जो लेडीज होता है तो सारा लेडीज सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और देखिए ये हमारे साथ, हेलो हेलो, राम राम जी। राम राम, क्या नाम है? रियान कुरैशी। क्या? रियान। रियान है, वाओ, नाम तो बड़ा अच्छा आपका। थैंक यू। तो रियान जी, आपने शाम को हमें बताया था, मैं उस साइड आ जाती हूँ, आपने शाम को हमें बताया था कि मतलब आप हरियाणा से हो। हाँ जी, हरियाणा अम्बाला कैंट से। कहाँ से हो आप बताओ? अम्बाला कैंट से। हमारे तो यहाँ पे पंजाब में कितने दिनों से हो? हमें लगभग साल भर हो लिया। साल भर हो लिया, तो कैसे आना हुआ यहाँ पे? बस एक काम के लिए आए। तो मतलब पढ़ाई नहीं करते आप? पढ़ाई कर ली है, लॉकडाउन के बाद छोड़ दी थी। लॉकडाउन में छोड़ दी थी, तो कहाँ तक की आपने पढ़ाई? दसवीं तक। तो उसके बाद फिर काम स्टार्ट कर दिया। तो ये मतलब ये क्या आपके भाई है, बहन है साथ में? जी भाई है, यहीं पर पढ़ाई वगैरह करते हैं। मतलब पूरा परिवार आया साथ में? फैमिली साथ आई है। मतलब पापा के साथ आप, पूरा परिवार आ गया है? जी, ये तो पापा तो नहीं है, भैया है हमारे, ब्रदर। अच्छा। फ्रेंड वगैरह ही है। तो मतलब सारे मिलके करते हो? मिक्स हो गए। तो जैसे आपने मतलब हर सामान यहाँ पे रखा हुआ है, पूरी जो आपकी दुकान है पूरी की पूरी भरी हुई है जी, तो कहाँ से लेके आते हो सारा सामान? ये दिल्ली से भी आता है, मुंबई से भी आता है। मुंबई से भी आता है जी। तो जिस प्रकार से आप वहाँ से छोड़ के यहाँ आए, तो एडजस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं आई आपको? नहीं, काम के लिए क्या एडजस्ट, क्या टेंशन। पर कैसे सोचा कि कोटकपूरा में जाके काम शुरू किया जाए? नहीं, वो तो देखने पड़ते हैं मार्केट कहाँ पर करना है, कहाँ से अच्छे चलेगा, कहाँ नहीं। तो मतलब अम्बाला से आपको सीधा कोटकपूरा में मार्केट अच्छी लगी जी? तो मतलब या फिर यहाँ से कोई रिलेशन था पहले? रिलेशन था, फ्रेंड वगैरह, और दुकानें भी हमारी यहाँ से, फ्रेंड वगैरह की 10-15 दुकान है। अच्छा, तो मतलब 10-15 दुकानें हैं आपकी यहाँ पे, मतलब आपके फ्रेंड वगैरह की भी है और कॉस्मेटिक की भी है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे पूरा जमवाड़ा जमा दिया है जी कोटकपूरा में। हाँ जी। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? उधर देखिए कैमरे की तरफ। क्या कहना चाहेंगे? आपको शर्म आ रही है क्या कैमरे की तरफ देखते हुए? कुछ तो बोलिए हमारे दर्शकों को, हेलो हाय, कुछ तो बोलिए। क्या आप रखते हो, क्या सेल करते हो? ये तो अलग अलग सामान है, कॉस्मेटिक का सारा, 10, 20, 30, 50, 100, 1200, 1500 तक के हमारे पास। टॉयज वगैरह भी है बड़े वाले, तो सारा सामान रखते हो सेल में भी? कभी रखते हो? हाँ, सेल का भी रखता है, छोटा मोटा, मतलब ये हर तरह का सेल मिलेगा आपको हमारे पास, अलग अलग वैरायटी का, अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो मतलब आज संडे है इसलिए ये बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं जी, या फिर हमेशा ही आते रहते हैं? नहीं, ये स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन जाकर शाम को आते हैं हमारे पास। तो मतलब ये हेल्प भी करवाते हैं आपकी? हेल्प नहीं कराते, बस बैठ जाते हैं आगे, कस्टमर वगैरह को कर देते हैं। हेल्प नहीं करवाते, काम तो नहीं बढ़ाते ना? ना, काम भी नहीं बढ़ाते, हेल्प नहीं करवाते। तो छोटे बच्चे हैं, कई बार काम बढ़ा देते हैं जी। नहीं, अच्छे हैं, ऐसे ऐसी बात नहीं। तो मतलब ये देखो, ये टेडी बियर है, कोई लेके जाता है इनमें से यहाँ पे? जी जाते हैं, बहुत कस्टमर आते हैं। मतलब बच्चों को पसंद होते हैं या बड़ों को? बड़ों को भी होते हैं, बच्चों को भी होते हैं। मतलब लड़कियों को देते हैं क्या, लड़के जब कोई फ्रेंड वगैरह? हाँ जी, इस तरह की। तो मतलब आप हर प्रकार के गिफ्ट रखते हो? जी मैम। और देखिए, सबसे पहले जो लड़कियों को पसंद होती है, किट भी यहाँ पे रखी गई है, एक से एक अच्छी किट है। तो कहाँ गए वो बड़े वाले भैया? गए ये आ जाओ भाई। अच्छा, ये एक, ये भी आपका भाई है ना जी? हेलो, क्या नाम है? अयान। अयान, नाम बड़े अच्छे अच्छे, अयान, अच्छा नाम लिख रखे हुए ना। आप स्कूल जाते हो? जी, पढ़ लिया 6th तक। तो आप ये छोड़ दिया जी? क्यों? बस लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई, इससे स्कूल बंद हो गए थे ना इस तरह। उसके बाद फिर दोबारा जाना शुरू नहीं किया? नहीं, फिर यहाँ पर आ गए थे। तो फिर यहाँ पे एडमिशन लिया स्कूल में? नहीं। तो अभी हेल्प करवाते हो इसी में जी? मतलब क्या कारण है, परिवार की स्थिति के कारण या क्या कारण है कि आपने पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, वैसे लॉकडाउन लगा था ना, इसलिए पढ़ने का मन नहीं किया, बस फिर काम पर जी लग गया था। अच्छा, काम पे मन लग गया तो इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, लेकिन पढ़ाई करनी जरूरी होती है। वो तो जरूरी है। अभी लगता है कि पढ़ाई कर लेनी चाहिए दोबारा से? ठीक कर, लगता तो है, लगता तो है ना। तो दोबारा से एडमिशन लो स्कूल में, ये तो भैया संभाल लेंगे जी। देखेंगे, देखेंगे, नहीं देखना नहीं है, करना है। रियान, करना है। अयान, रियान और अयान, नाम अच्छे है ना, रियान। और कितने भाई बहन हो आप? हम 5 बहने, 6 भाई। 5 बहने, 6 भाई। और आपकी मम्मी अभी भी हट्टी कट्टी है? माशाल्लाह, हट्टी कट्टी है। तो माशाल्लाह अभी भी हट्टी कट्टी है। मतलब 5 भाई, 6 बहने? 6 बहने, नहीं, 5 बहने, 6 भाई, मतलब है तो 11।
11 है ना जी जी। और 11 बच्चे पैदा करने के बाद भी हट्टी कट्टी है। देखो हमारे यहाँ पे मतलब क्या होता है, हमारे चाचा का लड़का है, चाचा का लड़का है, चाचा की उम्र मिला के है 11। हाँ जी, ये हम तीन बहने हैं इनके, तीन हमारे। अच्छा, ऐसा हिसाब है, मतलब ये फैमिली जोड़ के कर रहा है। अच्छा, फैमिली जोड़ के कह रहा है, ठीक है ठीक है, एक साथ रहते हो, जॉइंट फैमिली है, साथ जॉइंट फैमिली है ना। मैं तो घबराई गई थी, मैं 11 बच्चे पैदा करने के बाद भी हट्टे कट्टे, मतलब एक बच्चा पैदा करने के बाद जान निकल जाती है। नहीं, जॉइंट फैमिली है, ऐसे मिला के बोला इन्होंने, जॉइंट फैमिली होने दी। चलो अच्छी बात है, जॉइंट फैमिली है। और देखो ये भी ये छोटे मोटे घूमने यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे अब आप 1 साल से हो करीब जी, तो यहाँ पे कोई आपको भाषा में वो नहीं आता, कुछ दिक्कत तो नहीं आती बोलने में? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं आती है, ये आते हैं ना पंजाबी लोग, ऐसा फिर भी समझ लेते हैं। समझ लेते हो, बोल भी लेते हो? बोल भी लेते हैं, वैसे थोड़ा बहुत समझ में आता जाती है। वैसे पंजाबी समझी जाए, पर नहीं आती आपको पंजाबी? पंजाबी नहीं, पंजाबी यहाँ पर नहीं पढ़े ना, हम तो यूपी में पढ़ते थे ना, इसलिए। मतलब आप यूपी से, अम्बाला से बता रहा है, आप यूपी से बता रहे हो? हाँ, यूपी से ही। तो फैमिली में हम कुछ अंबाले में भी रहते हैं हम। अच्छा, कुछ यूपी में भी रहते हैं। तो यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए हो जी? अच्छा, तो मतलब आयान और रियान से मिलके बड़ा अच्छा लगा। देखो ये इनकी शॉप है, और यहाँ पे और भी बहुत सारी इनकी शॉप है, और हर प्रकार का सामान रखते हैं, तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। देखो ये हमारे ही उससे हरियाणा से ही है, लेकिन पंजाब में आके रहने लगे हैं, इनकी पूरी फैमिली यहाँ पे रहती है, तो छोटे छोटे इनके भाई है, लेकिन इन्होंने मेरे को एक बार डरा भी दिया था कि हम 11 भाई बहन हैं, और मैं डर भी गई थी कि 11 भाई बहन है, और फिर भी इनकी मम्मी हट्टी कट्टी है। हाँ, तो ज्वाइंट फैमिली है, तो अच्छा लगा दोस्तों, तो आगे भी आपको दिखाते रहेंगे नई नई चीज़ें पंजाब से।